आपने सोचा होगा कि चिनाब वैली में जो है एक्सीडेंट क्यों होते हैं। ये तस्वीरें जो आपको सामने दिख रही है बस यही कारण है। और ये रोड जो है गादी भागवा की रोड है, यानी डोडा से गादी भागवा के लिए ये रोड है, जहां पर लोगों को किस तरह इस कीचड़ में धक्का लगा लगा कर अपनी गाड़ियों को घसीटना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आकर कीचड़ में घसीटने से क्या एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, आपका सोचना भी सही है, लेकिन जब रोड पे गाड़ियां चलती हैं तो उनके हर एक पुर्जा जो है हिल जाता है, उसके बाद ये गाड़ियां हादसे का शिकार हो जाती है। जब हाईवे पे तेज दौड़ती है तो इस कारण जो है लगातार डोडा के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, यानी डोडा की मैक्सिमम जितने भी फार फ्लंग एरिया में जो रोडे हैं उनकी हालत बस इसी तरह से। ये गादी भागवा की रोड है जहां पर वहां के लोगों ने ये वीडियो बनाकर भेजी है। लगातार बारिश होने के बाद गाड़ियां की तरह फंस जाती है, क्योंकि वहां पर कोई इस तरह का वाहन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप उसको आसपास गाड़ियों को कर सकते हैं। फिर लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, उसके बाद जो है इन गाड़ियों को साइड किया जाता है या फिर पास किया जाता है। सोचिए कितनी कीचड़ में जो है किस तरह धक्का लगाना पड़ता है, और ड्राइवर भी जो है किस तरह रिस्क लेकर इन गाड़ियों को जो है चलाते हैं वहां पर, क्योंकि लोगों की भी मजबूरी है और ड्राइवर की भी मजबूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी इमरजेंसी क्या है, लेकिन लोग भी जो है ऐसे जैसी हालत में जो है घर से बाहर निकलते हैं और ड्राइवरों का जो है पीछा नहीं छोड़ते। ये तमाम चीजें आप किस तरह से देखते हैं, डोडा की सड़कों का एक्सीडेंट का कारण 90% बस यही है कि आखिर डोडा में जो एक्सीडेंट होते हैं बस इन्हीं कारण होते हैं। और लगातार जब सड़कें खराब होती है तो बस अब आप सोच रहे होंगे इनका जिम्मेवार कौन होगा। इनके जिम्मेवार वो अफसर है जो गलत फीडबैक जो है हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं और पल पल की अपडेट जो है हर रोड से देते रहते हैं कि भाई साहब ये रोड बिल्कुल सही कर दी है हमने, लेकिन जो तस्वीरें ब्याह कर रही है इन आंखें खोल देती है, इन लोगों के खोखले दावों की जो है इनकी पोल खोल देती है कि कहीं पर भी आपको ब्लैक टॉप नहीं दिखेगा। सड़कें बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई है और कोई भी इस तरह से पत्थरों की सोलिंग नहीं हुई होती है, जिसके कारण बहुत सारे हादसे होते हैं। दो पहिया वाहन तो बिल्कुल नहीं चल सकता। आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा, और ऐसी जैसी एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर लोग यहां के डिपार्टमेंट जो है किस तरह से दलाली करते हैं, उन लोगों को सही काम करना चाहिए, अपना सही फीडबैक देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो भी इन रोडों के लिए फंड्स रिलीज हो ताकि प्रॉपर तरीके से यहां पर लग सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये डोडा गादी भागवा की रोड ये दिखा रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि गाड़ियां जो खराब होती है ड्राइवरों की या फिर जो मालिक होते हैं उनके, बस यही कारण होता है और हादसे जो होते हैं बस इन्हीं कारण से होता है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह के अपडेट है या कोई भी चीज है तो आप रख सकते हैं और बता सकते हैं कि हादसे का कारण क्या और भी हो सकता है।